इस वीडियो में आपको बताएंगे एल्जेब्रा के ऊपर 10 ट्रिक, जिस ट्रिक की मदद से आप एल्जेब्रा का कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिलो और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट टिप्स और ट्रिक्स लेके मैं आता रहता हूँ। अब एल्जेब्रा का कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है अगर इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर फाइव, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा। सिंपली इस टाइप क्वेश्चन में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो कि दिया हुआ है फाइव, फाइव क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स यानी कि फाइव, यानी कि फाइव की वन ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन यानी कि वन हंड्रेड टेन जो कि आपका आंसर होगा। अब आपका यहाँ पर ही ट्रिक छुपा हुआ है, देखिए इतना ज़्यादा करने की या फिर लिखने की जरूरत नहीं। अब सिंपली कुछ या ट्रिक याद रखना है कि आप इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स फाइव या फिर ए है, तो सिंपली ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो। सिंपली देखिए यहाँ पर फाइव फाइव क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस थ्री फाइव यानी कि ए, तो ए क्यूब माइनस थ्री, तो ये आपका ट्रिक। तो सिंपली अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब जो कि ए क्यूब माइनस थ्री ए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसी तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब ए तो हो गया इजी प्रोसेस क्यूब का। अब सिंपली एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर, तो सिंपली एट फर्स्ट एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एट फर्स्ट, उसके बाद फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सिंपली कुछ शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप क्वेश्चन का, तो आप बहुत ही आसानी से इस टाइप क्वेश्चन को आंसर निकल सकेंगे। और इन फाइव ट्रिक्स के बाद एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर ए, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना है, इसी तरह से एक्स टू द पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर सिक्स कितना है, तो ये भी आपको दिखाएंगे कि ट्रिक क्या है। तो चलिए इसको एट फर्स्ट मिटा दें इन सबको। तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट जो ट्रिक है, सिंपली एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर ए है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर माइनस टू, सिंपल सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू। इसी तरह से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर ए है, देन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस थ्री ए, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का ट्रिक। इसी तरह से एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर जो कि ए टू द पावर फोर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस टू। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए सॉल्व करके दिखाते हैं, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर मान लीजिए थ्री है, तो सिंपली इस तरह से पुट करना है कि एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर कितना होगा। तो पुट करना है इस तरह से कि फॉर्मूला है यहाँ पर ए टू द पावर फोर माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पर सिंपली ए जो कि थ्री, तो थ्री टू द पावर फोर माइनस फोर इंटू थ्री स्क्वायर प्लस टू, तो इस तरह से आप आंसर निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट ट्रिक ट्रिक नंबर फोर जो कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, देन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स टू सॉरी एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव जो कि होगा आपका ए टू द पावर फाइव माइनस फाइव ए क्यूब प्लस फाइव ए। इसी तरह से एक्स टू द पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर सिक्स जो कि होगा ए टू द पावर सिक्स माइनस सिक्स ए टू द पावर फोर प्लस नाइन ए स्क्वायर माइनस टू। और इन सारी ट्रिक को आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू अगर ए है, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी तरह से क्या ट्रिक होगा, चलिए देख लेते हैं, इन सबको मिटा देते हैं।
और यहाँ पर सिंपली देखिए, इफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू ए है, देन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसी तरह से एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्स। तो यहाँ पर देखिए जितना जगह पे यहाँ पर माइनस था जहाँ जहाँ पर, उसको प्लस कर दीजिए सभी को। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर प्लस टू, माइनस था प्लस हो गया। इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब प्लस माइनस था थ्री ए। इसी तरह से यहाँ पर एक्स टू दी पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर जो कि ए टू दी पावर फोर, माइनस था प्लस कर दीजिए फोर ए स्क्वायर प्लस टू, तो प्लस टू ही लिख लीजिए। इसी तरह से एक्स टू दी पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर फाइव जो कि देखिए ए टू दी पावर फाइव, माइनस फाइव ए क्यू है प्लस फाइव ए क्यू, प्लस फाइव है तो प्लस फाइव है। इसी तरह से एक्स टू दी पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्स, और यहाँ पर एक्स टू दी पावर सिक्स माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्स, ए टू दी पावर सिक्स माइनस है प्लस कर लीजिए सिक्स ए टू दी पावर फोर प्लस नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन ए स्क्वायर, माइनस टू है तो प्लस टू कर लीजिए, और ये हो गया आपका फाइव प्लस फाइव जो कि दस ट्रिक। और इन सारे ट्रिक को आप कहीं पर भी नोट करके रख सकते हैं, और मेरा उम्मीद है कि आप इन दस ट्रिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह का और भी ट्रिक्स देखने के लिए।